परेश रावल जल्द ही उमेश शुक्ला निर्देशित फिल्म आंख मिचोली में नजर आएंगे। इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर, शर्मन जोशी और भी अन्य कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म और अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर परेश रावल ने कई बड़ी बातें कही हैं। परेश रावल से पूछा गया कि उनको इंडस्ट्री में कौन सा कलाकार खास लगता है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ओमपुरी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने काम नहीं किया, पर मुझे वो पसंद है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव भी, विक्की कौशल भी बेहतरीन एक्टर है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अगर आप उनके तरीके अपनाने जाओगे तो वह गलत हो जाएगा। उनसे जो सीखना है वह यह है किसी किरदार के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। परेश से पूछा गया कि अक्षय कुमार के अलावा बाकी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग को लेकर आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कॉमिक टाइमिंग को पता नहीं कौन सी मशीन मानते हैं या कौन सा मसला समझते हैं। एक एक्टर के पास टाइमिंग हर रोल के लिए होनी चाहिए। टाइमिंग एक ऐसा मसला है जो हर रोल में लगता है, चाहे वह विलन का रोल हो, सीरियस रोल हो या कॉमेडी रोल हो या कुछ भी कहो, सिर्फ कॉमेडी में आकर ही टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। अब अगर कोई बैट्समैन है तो हर बार स्क्वायर कट थोड़ी ना मारेगा, हर किस्म के शॉट खेलेगा ना, तो टाइमिंग तो हर एक चीज में होनी चाहिए, सिर्फ कॉमेडी में नहीं। इसके अलावा उनसे जब हेरा फेरी 3 या फिर आवारा पागल दीवाना के अगले पार्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हेरा फेरी का तो बाद में देखिए, अभी तो वेलकम टू द जंगल बन रही है, यह दिसंबर में शुरू होगी, इसके लिए नरेशन हो चुका है, इसमें कलाकारों की बहुत बड़ी फौज है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी फिल्म करने जा रहा हूँ जिसमें 25 से ज्यादा बड़े बड़े कलाकार है। यह बहुत ही महंगी फिल्म भी है, इसकी शूटिंग सऊदी अरब में होने वाली है, फिर हेरा फेरी 3 मार्च या अप्रैल में शुरू होगी। परेश रावल की इस स्टेटमेंट के बाद ये बात तो साफ है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कई और खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग और हेरा फेरी 3 के प्रमोशन की शूटिंग अभी से शुरू हो चुकी है। फिल्म से जुड़ी और भी कई बड़ी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।